चुनाव से पहले एक्टिव हुए सीएम शिवराज आज करेंगे कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 अक्टूबर को जिले की तहसील चंदेरी में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन जिनकी लागत राशि 64.59 करोड़ रुपए तथा 36 कार्यों जिनकी लागत राशि 88.55 करोड़ रुपए है उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान विधानसभा क्षेत्र अशोक नगर अंतर्गत 3 कार्य लागत राशि 40.56 करोड़ रुपए, विधानसभा क्षेत्र चंदेरी के 2 कार्य लागत राशि 11.84 करोड़ रुपए तथा विधानसभा क्षेत्र मुंगावली के 5 कार्य लागत राशि 12.19 करोड़ का भूमि पूजन करेंगे। विधानसभा अशोक नगर अंतर्गत नगेश्री से गरोही गुरुद्वारा बहाया देहरदा मार्ग लंबाई 2.75 किलोमीटर, लागत 3.65 करोड़ रुपए, शासकीय महाविद्यालय शाढ़ौरा का निर्माण कार्य लागत 5.34 करोड़ रुपए, जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक एवं 100 बिस्तरीय वार्ड के संयुक्त नवीन भवन के सिविल विद्युतीकरण एवं बाह्य विकास के निर्माण कार्य अशोक नगर, लागत राशि 31.57 करोड़ रुपए का भूमि पूजन करेंगे। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र चंदेरी अंतर्गत सिविल अस्पताल चंदेरी में 50 बिस्तरीय MCH भवन के निर्माण कार्य लागत राशि 11.34 करोड़, वीरांगना रानी आवंती बाई पार्क प्रतिमा निर्माण लागत राशि 0.50 करोड़ भूमि पूजन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र मुंगावली अंतर्गत समरखेड़ी किरोला मार्ग से फजलपुर मार्ग लंबाई 1.20 किलोमीटर, लागत राशि 1 करोड़ रुपए, ग्राम सुरेल से आमखो सिद्ध स्थान तक मार्ग लंबाई 4.02 किलोमीटर, लागत राशि 3.61 करोड़ रुपए, बरवाह से हिन्नौदा मार्ग से हिन्नौदा आश्रम तक मार्ग लंबाई 2 किलोमीटर, लागत राशि 1.37 करोड़ रुपए, वीरांगना रानी अवंती बाई पार्क मुंगावली नगर परिषद मुंगावली, लागत राशि 25 करोड़ तथा बक्सनपुर कुकरेठा मार्ग में और नदी पर पुल निर्माण, लागत राशि 5.96 करोड़ का भूमि पूजन करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।